सो फ्रेंड्स, अब आप घर बैठे ए टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो फ्रेंड, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लासेस तक में नोटपैड में हम लोग एडिट डिलीट कमांड तक पढ़ चुके थे, एडिट मेनू में डिलीट कमांड तक पढ़ चुके थे फ्रेंड्स। तो अब हम लोग फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और टाइम डेट को हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो आइए हम लोग फ्रेंड कमांड। ओके फ्रेंड, तो हम लोग अब फाइंड कमांड पढ़ते हैं। तो फ्रेंड आइए हम लोग, फाइंड का मतलब होता है किसी भी डाटा को ढूंढना या सर्च करना। जब आपके डॉक्यूमेंट में या फिर कोई डाटा सीट हो आपके पास, तो आप उस डाटा सीट में आप आसानी तरीके से किसी भी नाम, किसी भी एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, कोड, रजिस्ट्रेशन, ये सब सारा चीज़ आप ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड आइए हम लोग कैसे सर्च करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फ्रेंड कोई डाटा आप लिख दें। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे नेम, एड्रेस और मार्क्स लिख दें। जब डाटा लिखेंगे इसमें से अब आपको कोई भी डाटा को सर्च करना है। तो सपोज फ्रेंड, अभी तो आप मान के मुकेश का ढूंढना चाहेंगे तो फट से नज़र आएगा, बट 200, 300, 500 डाटा आपके पास रहेगा तो फ्रेंड आप उसको कैसे सर्च करोगे। तो फ्रेंड देखिए, हम इस डाटा को कॉपी पेस्ट कर दिए। अब इसमें से हम ये चेक करेंगे, फाइंड करेंगे फ्रेंड कि हम लोग जय कुमार का कितना मार्क्स है या उसका क्या एड्रेस है या कोई भी नाम लिख दीजिए, या जय को हम लोग ढूंढना चाहेंगे, जय करके फाइंड नेक्स्ट कीजिए फ्रेंड। कर्सर को इससे पहले देखिए मैसेज आ गया था, कर्सर पहले जस्ट ऊपर रख लीजिए और अब जय फाइंड नेक्स्ट कीजिए। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि जय का इंडिकेट हो गया, फिर फाइंड नेक्स्ट कीजिए, फिर जय मिल गया। आप जितने टाइम जितने बार जय आएंगे उतने बार वो शो कर देगा फ्रेंड, और इसको आप ऊपर की ओर भी डायरेक्शन को बदल करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बताया टर्नर फाइंड जय। तो फ्रेंड ये आप नाम से भी ढूंढ सकते हैं या किसी का मार्क्स को ढूंढना हो, जैसे हमको मार्क्स 200 से या 230 लिख दिए, अब 230 जिसका भी होगा वो फ्रेंड शो कर जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करा सकते हैं। तो फ्रेंड फाइंड और फाइंड नेक्स्ट एक ही चीज़ है, बट क्या है, बट आपको यहाँ पे एक बार इंस्ट्रक्शन दे देना होगा कि हम 230 को फाइंड करना चाहते हैं, और उसके बाद एडिट मेनू में फाइंड नेक्स्ट या ऐप 3 का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरीके से वो शो करता रहेगा। तो फ्रेंड तो आपने फाइंड और फाइंड नेक्स्ट को सीख लिया है, और अब हम लोग फाइंड फाइंड नेक्स्ट के बाद अब हम लोग रिप्लेस कमांड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स रिप्लेस कमांड वो है जो हम लोग किसी भी डाटा को बदल सकते हैं बिना कट, कॉपी या एडिट किए हुए। तो आइए फ्रेंड्स, तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं अपने डेटा को, कैसे बदलते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक नाम लिखा राम कुमार या राम है गुड या राम है बैड पर्सन, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने बैड लिखा है, ठीक है। तो बैड को हम लोग चेंज करना चाहेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे, या हम लोग इसको
और भी बहुत सारे कर देते हैं। रामेंद्र बैड बर्तन। तो यहाँ पे जितने भी सारे बैड हैं, हम चाहेंगे कि एक ही बार उसको बदल दें, ये चेंज करके डिफरेंट रिप्लेस में जाएंगे। और जिस चीज को हमको चेंज करना हो या बदलना हो डिफरेंट, उसको पहले फाइंड वर्ड में आप लिखेंगे बैड, और इसके जगह रिप्लेस जो भी करना है हमको इसे बोलो, और आप बारी बारी से भी कर सकते हैं। रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके होगा, और जहाँ रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरा टाइम एक बार में हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आप इसमें सीख चुके हैं कि रिप्लेस हम लोग कैसे करते हैं। और इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा गो टू कमांड। हमारा बहुत ईजी कमांड है, ये लाइन को फाइंड कराता है। अब लाइन पे जाना चाहते हैं, अब सपोज क्या है कि इसमें हमारे कुछ डाटा अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं फाइंड मेथड गो टू करने के लिए। नाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। उसका शॉर्टकट की F5, आप F5 प्रेस करेंगे की बटन में, आपका टाइम डेट आ जाएगा।